क्या था वो ना चावल ले कौन सा कहाँ जा था चावल ले बा? तो साठी कौन भेजे है कौन सर प्रार्थना इतिया तो हाँ ठीक है तभी तो प्रार्थना कैसे नहीं हुई सर अच्छा तो टाइम में प्रार्थना नहीं हुई तो आज कैसे नहीं हुई सर कौन है लेट में इसे अच्छा गुरु जी आज लेट में इसे तो बाकी दिन दस बजे और मैडम मन के बजे आते हैं तो आज कैसे नहीं है काकर बर्थडे दिव्यांश कौन मैम के बच्चे का बर्थडे मिश्रा मैम के अच्छा होकर बेटा का बर्थडे तो का सर नाम परिचय बताएंगे विभूति भूषण प्रधान सहायक शिक्षक पीएस छानंदपुर अच्छा सर हम लोग अभी लगभग यहाँ 20 मिनट से हैं हम लोग जी प्रार्थना कितने बजे होता है स्कूल में कितने बजे टाइमिंग बच्चे से पूछ लो बच्चे लोग बताए 10 बजे हाँ 10 बजे होता है तो अभी तक प्रार्थना नहीं हुआ है जी क्यों प्रार्थना नहीं हुआ बताएंगे आज का ये स्कूल के लिए चावल की कमी हो गई थी जी मिड डे मील के लिए जी तो मैं वहाँ जहाँ चावल मिलता है जी वहाँ गया था जी और वहाँ से चावल लेकर आया हूँ जी और इसीलिए लेट हो गया सर आप दो विद्यार्थी यहाँ से बोरी लेके जा रहे थे चावल लेने हाँ तीन लोग मिले हाँ बच्चों को कौन भेजा था स्कूल से नहीं मैं अकेले तो नहीं ला सकता मैं बच्चों की सहायता से मैं खुद बच्चों की सहायता से बोरा को वहाँ पैक किया हूँ नपवाया हूँ और लेके आया हूँ सबर सबरी मध्यान्ह भोजन समिति छानंदपुर अच्छा। तो क्या वो लोग राशन सामान और व्यवस्था करके नहीं देते हैं ये चावल लाना क्या उनका काम नहीं है समिति का आपका और बच्चे लोगों का क्या व्यवस्था का काम यहाँ के शिक्षकों का है संचालन करना यहाँ समूह का काम है व्यवस्था करना शिक्षकों का काम है हाँ चावल नहीं लेकिन जो महिला स्वसहायता समूह चला रहा है जहाँ भी स्कूल में संपूर्ण व्यवस्था काम करना महिला स्वसहायता समूह का ही काम है इसीलिए महिला स्वसहायता समूह को दिया जाए कि शिक्षक लोग इस कार्यभार से मुक्त हों क्योंकि आप अभी देखिए ना बच्चों लोगों को भोरी दर के चावल लेने भेज रहे हैं अभी 10:30 हो गया प्रार्थना नहीं हुआ मैं भेजा नहीं हूँ मैं स्वयं गया हूँ मेरे साथ लेके गया नहीं नहीं बच्चों लोग आप गलत हमारे पास वीडियो है हम लोग आपको दिखाएंगे ठीक है ठीक है हमारे पास वीडियो है दो बच्चे ना यहाँ से बोरी लेके जा रहे थे हम लोग बच्चों को पूछे भी थे आप थे क्या इन लोगों को पूछो आप जा रहे थे कि नहीं जा रहे थे चावल लेने के लिए जी इनको मैंने कहा है बोरी लेके चलो मैं पीछे पीछे आ रहा हूँ और मैं पैदल गए थे सर यहाँ से हाँ ये पास पास में हाँ वहाँ पर मैं देखा कई हितग्राही लोग चार चक्किया में मतलब फोर व्हीलर में चावल लेने आए कोई मोटरसाइकिल में किसी से मोटरसाइकिल से अगर वो हो जाता दुर्घटना हो जाता तो इसके जिम्मेदार कौन होता वो तो बात अलग है ना नहीं बात अलग है लेकिन वही बोल रहा हूँ सर आप मेरी की एक्सीडेंट भी हो सकती है मैं अकेले वो काम नहीं कर सकता इसीलिए महिला स्वसहायता समूह को दिया गया है ये काम कि वो पूरा व्यवस्था करेगा पैसा किसको मिलता है जब मध्याह्न भोजन का आता है तो मध्याह्न मतलब समिति को मिलता है तो व्यवस्था करने का काम किसका है कि पैसा को निकाल के आपको दे देते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि महिला स्वसहायता समूह के आड़ में मध्याह्न भोजन को आप ही संचालित कर रहे हैं स्वसहायता समूह ही कर रहा है अच्छा तो जब महिला स्वसहायता समूह संचालित कर रहा है तो उनका काम है राशन का सामान करना ना कि आपकी तो आपका काम है पढ़ाई करवाना बच्चों को यहाँ पर तो सही समय प्रार्थना भी नहीं हुआ है जी। और बच्चे बता रहे हैं कि आज मैडम आज बता सकती हैं कि मिश्रा मैडम किस चीज़ के लिए छुट्टी मिली है आज उनके बच्चे का जन्मदिन है तो वो इसीलिए लिए छुट्टी तो मतलब इनके इतने सारे बच्चे हैं एक बच्चा एक शिक्षक हड़ताल में है ठीक है सर अब एक ही शिक्षक 52 शिक्षक मतलब बच्चों को पढ़ाना है तो ये एक जन्मदिन के लिए छुट्टी लेना आवश्यक था
इस संबंध में वही बोल सकती हैं। मैं आप छुट्टी किनसे किनसे लिए हैं मैडम? वो संकुल समन्वय को मतलब ये संबोधित किए होंगे। अच्छा किए होंगे, मतलब आपको जानकारी है इस बात की, सूचना मिला कि आज मैडम छुट्टी में? वो कॉल किए थे कि मैं नहीं आऊँगी बोल के। अच्छा तो आपने पूछा कि मैडम आप छुट्टी लिए बोल के? हाँ। तो संकुल समन्वय से बात किए आप? नहीं नहीं बात नहीं किया हूँ अभी तक। संकुल समन्वय का नाम बताइए। श्री त्रिकांत बाघ। अच्छा सर ये बताइए कि स्कूल में कितने विद्यार्थी हैं अभी? अभी 52 हैं। 52 विद्यार्थी हैं। कितने शिक्षक हैं? 3 शिक्षक। सर दो शिक्षक अभी तक एक नहीं हुए, एक हड़ताल में है और एक आकस्मिक अवकाश में है।